अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खान। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये गालबन लास्ट टॉपिक है मैट्रिक का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का। अब हम आते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अक्सर बच्चे जब हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है कोई डेटा, ये क्वेश्चन अक्सर वर्ड प्रॉब्लम में बेस्ड होते हैं, तो उधर एंगल ऑफ डिप्रेशन का वर्ड यूज़ किया जाता है होता है। और हमें डेटा कुछ इस तरीके से होती है कि हम जो है एंगल ऑफ एलिवेशन यूज़ कर लेते हैं और सेम वैल्यू रख देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों सेम कैसे हो गई। ठीक है, तो उसको आज थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड कोशिश करेंगे कि एक प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम आते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या है। सपोज हम मान लेते हैं कि हम अपने दोस्त के पास जाते हैं उससे मिलने के लिए, ठीक है, और हम उसको कॉल करते हैं कि भाई कहाँ पे हो, घर के बाहर जाके, और वो अपने घर पे फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे खड़ा है और उधर वहाँ से जो है वो विंडो से ऊपर देखता है हमारी तरफ। ठीक है, सपोज़ ये घर की हाइट है और वो यहाँ से जो है ना हमें देखता है और हम उसके घर के बाहर सपोज़ इस जगह पर खड़े हैं। अब जैसे ही वो बाहर निकलेगा हम उसको ऊपर देखेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे जब, तो हम वैसे जब स्टैंड खड़े हुए हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो अगर हम देख रहे हैं तो हमारी जो आई साइड है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है, ऐसे उसके दरवाजे को देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो हमें कहेगा भाई ऊपर देख, मैं ऊपर खड़ा हूँ, ठीक है, तो हम ऊपर देखना अपनी गर्दन को ऊपर रोटेट करेंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे थोड़े से आईबॉल भी रोटेट होंगे ऊपर। तो जैसे ही हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ से एक एंगल बनेगी हमारी, ठीक है, गर्दन की, वो नज़र की, ठीक है, थोड़ी सी गर्दन ऊपर होगी, आईबॉल नीचे ऊपर होंगे, तो हम ऐसे ऊपर उसको देखेंगे, ठीक है, ये अब हमारी आई साइड जा रही है। सपोज़ कर लेते हैं कि वैसे तो नज़र नहीं आता लेकिन ये यहाँ पे हमने उसको देख लिया, ठीक है। तो अब पहले हम यहाँ पे देख रहे थे ऐसे सीधा स्ट्रेट, ठीक है, अब हमने गर्दन ऊपर कर दी और ऊपर देखा तो इसके बीच में थोड़ा सा जो वो डिस्टेंस आ गया, गर्दन की रोटेशन आ गई, इसको हम एंगल कहते हैं, ये एंगल हो गई। अब हमने ऊपर देखा, ये हमारी एंगल ऑफ एलिवेशन हो गई, ठीक है, पर वो वहाँ से खिड़की से अगर सामने देखता तो उसकी नज़र ऐसे जाती, ठीक है। फिर उसने हमें देखने के लिए क्या किया, अपनी गर्दन को थोड़ा सा नीचे झुकाया, आईबॉल्स को नीचे किया और हमें देखने के लिए इतना उसने नीचे देखा, ठीक है, गर्दन नीचे की, नज़र नीचे की, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगी। अब ये जो है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो जो नीचे देख रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गई, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि आप कोई भी साइन बोर्ड किसी भी चीज़ को ऊपर है देख रहे हैं, एरोप्लेन जा रहा है उसको देख रहे हैं, गर्दन ऊपर कर रहे हैं, आप जितना गर्दन ऊपर कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, वो आपकी जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगी। अगर उस पॉइंट से कोई बंदा आपको भी देख रहा है तो जितना आपने गर्दन ऊपर की है उतनी ही गर्दन उसको नीचे करनी पड़ेगी, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मतलब अगर आप कोई भी हाइट पे चीज़ है आप उसको जितना ही गर्दन ऊपर करके देख रहे हैं वो आपको जब देखेगा तो वो भी उतनी ही गर्दन नीचे करके आपको देखेगा, दोनों की जो एंगल होंगी वो सेम होगी, फर्क ये होगा कि आप ऊपर देख रहे होंगे और वो नीचे देख रहा होगा। तो इसलिए हमने एक को नाम दे दिया एलिवेशन, हम एलिवेट कर रहे हैं ऊपर देख रहे हैं, और दूसरे को हमने कहा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्योंकि वो नीचे देख रहा है, लेकिन ये दोनों एंगल सेम होगी। जो इसकी वैल्यू होगी, सपोज मान लेते हैं अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, अगर ये 45 है तो ये भी 45, तो जब दोनों एक दूसरे को देखेंगे, एक ऊपर है एक नीचे, तो दोनों की एंगल आप जो नीचे से देखेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन, जो ऊपर से देखेगा उसकी एंगल उसके हिसाब से एंगल ऑफ डिप्रेशन, और दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, ठीक है।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा, मैंने कोशिश की है थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की। अब आते हैं इसके एग्जांपल कैसे होते हैं, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ और वो हम मैट्रिक वाले बुक से क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास जो है 11 है, इसमें क्या कह रहा है, टू चिप्स विच आर इन अ लाइन, ये दो चिप्स एक लाइन में आ रही हैं, ठीक है। एक का नाम ए दिया गया है, दूसरे का नाम बी दिया गया है, ठीक है। विथ द बेस ऑफ अ वर्टिकल कैंटिलीवर, ठीक है, आर 100 मीटर, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है अपार्ट वो जो है 100 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब यहाँ पे एंगल ऑफ हमें डिप्रेशन बता रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्राम द टॉप ऑफ द कैलिफ, अगर यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और वहाँ से देख रहा है पहली शिप्स को और दूसरी शिप को, तो उसकी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगी, एक की एंगल ऑफ शिप को देखने के लिए 30 डिग्री होगी और दूसरी शिप को देखने के लिए 45। अब जो दूर है उसके लिए उसको गर्दन कम झुकानी पड़ेगी, तो इसके लिए उसकी डिग्री कम है, और जो करीब होगी कैलिफ के, ठीक है, तो उसके लिए उसको गर्दन ज़्यादा झुकानी पड़ेगी, तो उसकी एंगल जो है वो 45 डिग्री दिखेगी, ठीक, एज शोन इन द फिगर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू फाइंड करना है, मतलब बी सी, ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेट द हाइट, मतलब सी डी हमें फाइंड करना है, क्लियर है। अब इसका हम एक कोशिश करते हैं ग्राफ बनाएं और उस हिसाब से जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कैलिफ है, हाइट है, ठीक है, और एक बोट यहाँ पे है और दूसरी बोट इस जगह पे है, ठीक है। अगर हम सीधे देख रहे हैं तो हमारी इस लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। अगर हम पहली बोट को देख रहे हैं तो हमें उसके लिए थोड़ा सा गर्दन को झुकाना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है, तो जो इसकी एंगल होगी वो क्या कह रहा है, 30 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर हम दूसरी बोट को देख रहे हैं तो अब हमें थोड़ी गर्दन ज़्यादा झुकानी पड़ेगी और उसकी एंगल हमें बताई जा रही है 45 डिग्री, ठीक है। और हमें कहा गया है कि दोनों बोट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये डिस्टेंस इस बोट और इसकी बेस ऑफ कैलिफ के बीच में जो डिस्टेंस है और ये हाइट हमें फाइंड करनी है। इसके हम नाम दे देते हैं, जो हमें नाम बताए गए हैं वही दे देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो नाम दिए गए हैं ये ए बी सी डी, ठीक है, तो हम वही नाम दे देते हैं, ये ए है बोट, ये बी बेस को हमने सी कह दिया है जो कैलिफ का बेस है, और हाइट जहाँ पे कोई खड़ा है उसको हमने डी का नाम दे दिया, ठीक। अब हमें चीज़ें क्या फाइंड करनी है, एक हमें ये फाइंड करना है इसको हमने एक्स कह दिया, और एक हमें ये चीज़ फाइंड करनी है इसको हमने वाई कर दिया, भाई एक्स और वाई की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होती है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होगी। अगर हम पहली बोट को देख रहे हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रही है, तो अगर पहली बोट पे कोई बंदा है और वो उस हाइट वाली बंदे को ही देख रहा है जहाँ पे ये खड़ा है, तो उन दोनों की जो एंगल होगी, इसकी जो एंगल होगी वो भी क्या बनेगी, 30 डिग्री बनेगी। इसी तरीके से अगर बी बोर्ड पे कोई बंदा है और वो सेम उसी पॉइंट पे देख रहा है, तो उसकी एंगल भी वही बनेगी जो ऊपर वाले बंदे की बन रही है नीचे देखने के लिए 45 डिग्री, ठीक। तो अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो हम सबसे पहले आते हैं, हम देखें ये जो है 90 डिग्री बनेगी। यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल है डी सी बी और दूसरा ट्राइंगल है डी सी ए, ठीक है। और ये दोनों ट्राइंगल्स यूज़ करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की और वाई की, ठीक है। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू को देख लेते हैं क्या होगा। तो भाई अगर हम ये एंगल उठाते हैं, इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर है, हमने पढ़ा है पढ़ बेटा पढ़,
हाँ बाबा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास होता है 10 डिग्री का, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं भाई, 10 यूज करेंगे भाई, तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि भाई 10 45 डिग्री बराबर होती है किसके बराबर होती है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो भाई परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, वाई, ठीक है, और अपॉन बेस, बेस हमारे पास क्या है भाई, एक्स, ठीक है। तो अब हम टेबल में जाके 10 45 की वैल्यू फाइंड करेंगे भाई, 10 45 किसके बराबर है। तो जैसे ही हम 10 45 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो बराबर है 1 के। तो भाई 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, अगर एक्स को हम इधर मूव करें तो एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया, ठीक है। तो जो एक्स की वैल्यू होगी वही वाई की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो मन एक्स की जगह पे वाई, वाई की जगह पे एक्स पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इतनी तो ज़िंदगी आसान हो गई, ठीक है। अब आते हैं दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, डी सी बी, उस हिसाब से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर डी सी बी लेते हैं तो हमारे पास ये एंगल क्या है, 30। इस हिसाब से परपेंडिकुलर हमारे पास वाई होगा और बेस हमारे पास अब ए से लेके सी तक ये कंप्लीट बेस होगा, ठीक है। तो भाई इस कंप्लीट बेस में ये 120 है और ये एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं 120 प्लस एक्स, ठीक है, आसान है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, इक्वेशन पहले बनाते हैं। तो भाई 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेम वही, तो भाई क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा होता है। तो हम कहते हैं 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब वाई अपॉन बेस मतलब 120 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये 120 प्लस एक्स यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई, और 10 30 की हम वैल्यू देख के पुट कर लेते हैं कि भाई 10 30 डिग्री किसके बराबर है, ठीक है, बराबर है 1 अपॉन अंडर रेडिकल 3 के, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा 120 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू। अब हम देखें, हमने कहा था एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई की जगह पे हम एक्स रख सकते हैं, एक्स की जगह पे वाई, तो इसको हम एक्स कर देते हैं, आसान हो गया। अब ये अंडर रेडिकल यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास हो जाएगा 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3x, ठीक है। अब ये हमारे पास प्लस का एक्स है, इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, और अंडर रेडिकल 3 की हम वैल्यू पुट करेंगे, तो भाई 120 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3, देखें किसके बराबर है, 3 बराबर है 1.732, ठीक है, एक्स, और ये प्लस का एक्स इधर चला जाएगा माइनस का एक्स। तो अगर माइनस कर दें हम इस दोनों को तो हमारे पास कुछ वैल्यू ऐसी हो जाएगी, 120 इज इक्वल टू 1.732, एक्स में से एक्स माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.732 एक्स। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो 0.732 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरीके की हो जाएगी कि भाई 120 डिवाइडेड बाय 0.732 इज इक्वल टू एक्स। तो अब डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आ गया 163.9 इज इक्वल टू एक्स, इसको हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, तो 164 बराबर हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमें यहाँ पे मीटर्स में वैल्यू गिवन, लेंथ गिवन थी, तो ये भी हम मीटर कह देंगे। तो हमारे पास एक्स बराबर हो गया 164 मीटर, ठीक है। अगर एक्स 164 मीटर है तो इस हिसाब से वाई क्या होना चाहिए, वाई भी होना चाहिए 164 मीटर के। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।